नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। काला धन घोषित करने वाले महेश शाह को पूछताछ के बाद आयकर विभाग ने छोड़ा। शाह के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। शनिवार को आयकर विभाग ने लिया था शाह को हिरासत में। आर्ट ऑफ एशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन, कहा स्थिरता के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी। सम्मेलन में पीएम मोदी ने की पाक सलाहकार सरताज अजीज से मुलाकात, लेकिन नहीं हुई दोनों के बीच कोई बातचीत। नोटबंदी का आज 26वां दिन, कम नहीं हो रही जनता की मुश्किलें। देर रात से ही एटीएम के सामने दिखी भारी भीड़। दिल्ली में नेशनल लेवल शूटर ने अपने कोच पर लगाया रेप का आरोप, कहा कोच ने सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया रेप। चाणकपुरी थाने में महिला खिलाड़ी ने कराया केस दर्ज। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश। 9 दिसंबर को हो सकता है प्रस्ताव पर मतदान। पार्क ग्यून हे पर है कई घोटालों का आरोप। और T20 एशिया कप टूर्नामेंट में खिताबी भिड़ंत के लिए आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। बैंकॉक में खेला जाएगा एशिया कप महिला क्रिकेट टीम का फाइनल मैच। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है शानदार। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।